और आपके माध्यम से हम गाजीपुर और पूर्वांचल की जनता को और खास तौर से इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के कार्यकर्ताओं को नेताओं को इस चुनाव में जो गाजीपुर 75 लोकसभा क्षेत्र से 1,25,000 लगभग वोटों से जो जीत हासिल हुई है, जो 2019 के जीत के अंतर का रिकॉर्ड भी तोड़ दी है, उसके लिए हम गाजीपुर की जनता को और इंडिया गठबंधन के से संबंधित नेताओं कार्यकर्ताओं को, अपनी महिला टीम के नेताओं कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और बधाई देता हूं। सांसद जी, किन मुद्दों पे लेके बीजेपी जा रही है और आप समीक्षा आप कीजिए। आपने मीडिया की बात कर रहा हूं, उस मीडिया की बात कर रहा हूं जिसने 72 घंटा इस देश की जनता को बेचैन कर दिया, जिसने झूठा सर्वे नंदवंश का नाश करने की जो नहीं, ये सब बहुत छोटी सी बातें हैं, जिसने देश की जनता को जो फैसला जनता दे रही थी ठीक उसके विपरीत अपने लोभ में, लालच में और षड्यंत्र में शामिल होकर के झूठा जो प्रोपगंडा करने के लिए एक सर्वे और एक एग्जिट पोल जो जारी किया गया, जिससे देश की जनता 72 घंटे तक बेचैन रही, उसके लिए मुझे बहुत अफसोस है। और कल भी हमने कहा था कि अपनी साख को बट्टा लगा करके अगर चौथे स्तंभ के लोग ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें आगे आने वाले दिनों में पछताना पड़ेगा, क्योंकि देश की जनता की निगाह में उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो जाएगी। भाजपा के 400 पार नारे को कैसे 400 पार के कलियां गिनवा देते रहो, 450, 450 आज उसकी हवा निकल गई। आज भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है, अब सहयोगी दलों की घींचा घाची शुरू है, तो उधर के चाणक्य हैं अमित शाह, इधर भी चाणक्य हैं, अब उनका खेल देखिए, अब खेल होने वाला है। मात तो पहली मात तो गोदी मीडिया की हो गई, जिसने इस चुनाव को पूरी तरह से जनता के मन पर, दिमाग पर एक भ्रम बनाने के लिए अजीब माहौल बना दिया, जहां धरातल पर सच्चाई ये है कि 250 सीट नहीं पहुंच रही भाजपा, आप उसको 400 सीट दिखा रहे हैं, झूठ की इम्तहा है। गाजीपुर भी जिता रहे हैं जहां 1,25,000 वोट से हार रही भाजपा। कितना पक्षपात करेंगे भाई, कितना पैसा देते हैं। अभी हमारा एक चैनल है टाइम्स नाउ, उस कल तक अभी हद हो गई, अपनी साख को कितने में बंधक रखते हैं भाई, किस तरह से विश्वसनीयता खत्म हो गई है। ये सोशल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है और कोई भी झूठी खबर परखी जा सकती है, जांची जा सकती है। बड़ी बड़ी मीडिया के लोगों से ये चूक हुई है, मैं कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कहा था, और पूर्वांचल में किस तरह सफाया होने जा रहा आज वो दृश्य आपके सामने है। चंदौली को मैंने कहा था जीत रहा हूं, जीत लिया, हमने ऐलान किया था बलिया, आपने देख लिया फैसला, जनता का फैसला। हम एग्जिट पोल नहीं कर रहे थे, हम अपने 50 साल के जीवन के अनुभव के आधार पर कर रहे थे, घोसी भी जीतेंगे, लालगंज भी जीतेंगे, आजमगढ़ भी जीतेंगे, जौनपुर भी जीतेंगे, मछलीशहर जीतेंगे, ये सारी जीतें जीत लिए। आज समाजवादी पार्टी इस देश में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी बन गई, जिस समाजवादी पार्टी को एग्जिट पोल वालों ने अंडर 10 कर दिया था, आज वो समाजवादी पार्टी देश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, और वो भारतीय जनता पार्टी जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, आज वो निर्भर है चंद्रबाबू नायडू की कृपा पर। आज उसकी हालत खराब है और वो निर्भर है नीतीश कुमार पर। अब देखिए आने वाले दिनों में, देखिए अब वो सरकार नहीं रह जाएगी। इंडिया गठबंधन बहुत सा आपके इस एग्जिट पोल की वजह से जो भ्रम फैला, विश्वसनीयता पे आपके भी साख पर बट्टा लगा, जनता को भी बेचैनी हुई, परेशानी हो गई, कितने लोगों को हार्ट अटैक हो गया, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हो गए। मेरा साथी मुन्नन यादव हमको फोन पे बोला कि भैया मेरा बीपी ऊपर वाला 90, नीचे वाला 55 हो गया है।
हम कह रहे भैया रस्ते में छोड़ के जेबा का गिनतिया तो करा लो कम से कम, जल्दी जल्दी इनको इलेक्ट्रॉल पिलाइए, इनको बचाइए। अब तो साहब आप एक एक नाम लेकर के आप मत कीजिए, मेन नाम है मोदी पे सवाल कीजिए। मैंने कल कहा था कि जीतेंगे भी तो अपनी जीत पर शर्मिंदा होंगे, कल कहा था हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जीत इतनी होगी पीछे रहे दो राउंड तीन राउंड पीछे रहे और उसके बाद जीत लेने में भी सफल हुए तो अपनी जीत को जब जब देखेंगे शर्मिंदा होंगे, क्योंकि लक्ष्य था 10 लाख से जीतने का। विश्व का सबसे बड़ा नेता और चुनाव गिनती के दौरान हार भी रहा है, ये खबर फ्लैश होती थी, कैसा लग रहा था जो नजारा है उत्तर प्रदेश में? कोई सीट आप मानने को तैयार थे? कोई सुनने को तैयार था कि अंबेडकर नगर जीतेंगे? हद हो गई भगवान के नाम पर वोट मांगने वालों को, भगवान का कोप ऐसा लगा कि अयोध्या की सीट भी हार गए, फैजाबाद की सीट पर अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के परचम लहरा करके साबित कर दिए अंबेडकर नगर की सीट, बाराबंकी सीट। ये गठबंधन जिस तरह से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सामने मुकाबले में एक मजबूत दीवार बन के खड़ा हुआ है, अब गिनती उल्टी शुरू हो गई उत्तर प्रदेश सरकार की, आने वाले में देखिएगा नंबर उनका है। और पूरी ताकत के साथ ये गठबंधन भारतीय जनता पार्टी की जड़ें खन के फेंक देगा, जिन्होंने नफरत की फिजा बना दी, जिन्होंने अहंकार के बल पर अन्याय के बल पर जनता को डरा करके वोट लेने की कोशिश की, जनता ने उनका मुंह